राष्ट्रपति झारखंड में आयोजित महिला स्व सहायता समूहों के सम्मेलन में हुई शामिल। प्रधानमंत्री ने आज देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। झीरम घाटी हत्याकांड की आज 10वीं बरसी, मुख्यमंत्री समेत कांग्रेसियों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दुर्ग में लोकसभा स्तरीय कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड की 3 दिन की यात्रा पर हैं। वे आज खूंटी में जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 500 से अधिक महिला स्व सहायता समूहों के सम्मेलन में शामिल हुई। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने झारखंड में महिला स्व सहायता समूहों और लड़कियों के लिए संचालित स्कूलों से जुड़ी अपनी यादों को साझा किया। महिला समूह बनाए हैं और थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं तो खुश हूँ। जो राज्यपाल थी शायद मुझे एग्जैक्ट जितने पता है 302 केजीबीबी था। मैं केजीबीबी घूमती थी, केजीबीबी में शायद आदिवासी बच्ची ही पढ़ते हैं, तो मैं उनको चेहरे को देख के खुश होती थी। आज वो बच्चियां शायद कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या शायद नौकरी भी करते होंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन सहित केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा, जनजाति राज्य मंत्री रेणुका सिंह और विश्वेश्वर टुडू भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड के लिए यह पहली वंदे भारत रेलगाड़ी है। इससे विशेष रूप से राज्य की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाजनक यात्रा के नए युग की शुरुआत होगी। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि आज विश्व भारत को बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने अर्थव्यवस्था मजबूत करने, गरीबी दूर करने और कोविड महामारी से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर के लोग भारत को समझने के लिए भारत भ्रमण पर आना चाहते हैं और ऐसी स्थिति में उत्तराखंड के लिए यह अपार अवसर है। और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि 12,000 करोड़ रुपए की लागत से चार धाम परियोजना का कार्य तेज गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के पूरा होने से दोनों शहरों की यात्रा आसान हो जाएगी। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से चार धाम महापरियोजना पर तेज गति से काम हो रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे तैयार होने से देहरादून दिल्ली के बीच सफर और आसान हो जाएगा। रोड कनेक्टिविटी के साथ ही रोपवे कनेक्टिविटी के लिए भी उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। पर्वतमाला योजना आने वाले दिनों में उत्तराखंड का भाग्य बदलने जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, वर्ष 2014 के बाद सरकार ने भारतीय रेल का कायाकल्प किया है। उन्होंने कहा कि उच्च गति की रेलगाड़ियों का स्वप्न अब साकार हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि 6,000 किलोमीटर रेल लाइनों का प्रतिवर्ष विद्युतीकरण हो रहा है।
झीरम घाटी हत्याकांड को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस हत्या दुर्घटना में प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं सहित 32 लोग माओवादियों के हमले में आज ही के दिन शहीद हो गए थे। झीरम घाटी की बरसी पर कांग्रेस नेताओं ने इन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर के लाल बाग मैदान स्थित झीरम घाटी मेमोरियल में झीरम घाटी शहादत दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। यहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, साथ ही उस अवसर पर शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात भी की। इससे पहले रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वे लगातार झीरम घाटी का सच सामने लाने की कोशिशें कर रहे हैं। आयोग की रिपोर्ट आया, आप सब जानते हैं राज्य सरकार ने आयोग का गठन किया था, राजभवन में उसको सबमिट किया गया, कभी ऐसा हुआ है? लेकिन आयोग की रिपोर्ट सरकार को न देकर, चीफ सेक्रेटरी को न देकर सीधा राजभवन में दिया जाता है। और जब हम लोग, जब हमारे पास आया ही नहीं और उसके बाद उसके खबरें चलने लगी, तब हम लोगों ने 2 सदस्यीय आयोग का गठन किया। गौरतलब है कि 10 साल बाद भी इस हत्याकांड की जांच पूरी नहीं हो पाई है। कांग्रेस ने पिछले साल से इस दिन को झीरम घाटी शहादत दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जिला भाजपा कार्यालय दुर्ग में लोकसभा स्तरीय कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान लोकसभा सांसद विजय बघेल भी मौजूद थे। कार्यक्रम में भिलाई के 40 से अधिक युवाओं ने भाजपा प्रवेश किया। घर वापसी करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष के प्रति आभार जताते हुए उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर श्री साव ने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा और देश हित में काम करने वाली पार्टी है, जिससे प्रेरित होकर लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार हम जनता के बीच में रहते हैं, तो चुनाव के लिए हम हमेशा तैयार रहते। 2000 रुपए के नोट को बंद करने के सवाल पर श्री साव ने कहा कि इससे आम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अवैध कमाई वालों को तकलीफ हो सकती है। लोगों के पास होता नहीं था, आपने देखा प्रचलन में अधिक नहीं था आम लोगों के बीच 2000 का नोट, और इसलिए भारत सरकार ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तय किया 2000 का नोट बंद करने का। आम व्यक्ति को इससे किसी तरह की परेशानी दिक्कत नहीं होने वाली है, किसी भी व्यक्ति को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डर केवल उनको लग सकता है जिनके पास अथाह रूप से ब्लैक मनी होगी, अवैध कमाई होगी, उन्हीं को तकलीफ हो सकती है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अपनी नीतियों और कार्यकर्ताओं के भरोसे आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। कोरिया मिलेट कैफे के फूड्स को बढ़ावा देने कलेक्टर ने अनोखी पहल करते हुए जन दर्शन में आने वाले लोगों को 10% छूट की बात कही है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट क्रॉप वर्ष घोषित किया गया है। मिलेट कैफे के देशी व्यंजन की सराहना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। राज्य में मिलेट मिशन योजना शुरू की गई, जिसके तहत जिलों में मिलेट्स कैफे की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा जिला कलेक्टर परिसर में कोरिया मिलेट्स कैफे तैयार किया गया है। यहाँ मिलेट्स कुटकी टी, किन्वा लस्सी, किन्वा स्पाइस बटर मिल्क, बाजरे का पराठा, बाजरा चीला, रागी आलू पान केक, ज्वार पकौड़ा, रागी मसाला डोसा, ज्वार मसाला डोसा, कोदो उत्पम, मिलेट्स मंचूरियन, मिलेट्स लॉलीपॉप, मिलेट्स पनीर चिली, कोदो फ्राई चावल, मिलेट्स बिरयानी, बाजरा रोटी, ज्वार रोटी, किनाना की खीर, कुटकी की खीर, ज्वार मुख्य आकर्षण का केंद्र है। कलेक्टर विनय कुमार लंगे ने बताया कि ग्राहकों से यहां एक फीडबैक फॉर्म भी भरवाया जा रहा है, जिसमें हमें काफी अच्छा फीडबैक मिला है। इसमें छत्तीसगढ़ मिलेट्स मिशन के अंतर्गत, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी, अपना जो पारंपरिक खान पान है उसको बढ़ावा देना है और मिलेट्स के प्रति जो लोगों की रुचि है उसको भी बढ़ावा देना है, क्योंकि इसके हेल्थ के संबंधित बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, चाहे हमारे विटामिन के या फिर अदर एसेंशियल जो हमारे हेल्थ के एसेंशियल्स होते हैं,
वो हमारे मिलेट्स के जो व्यंजन होते हैं उसमें उसकी पूर्ति होती है और लोगों के प्रति लोगों में इसके टीएमसी के प्रति बहुत अच्छा इसमें फीडबैक भी आ रहा है। हम वहाँ पे फीडबैक फॉर्म भी भरवा रहे हैं और आने वाले समय में इसको और भी अच्छे से मांगे। कोरिया मिलेट्स कैफे के संचालक समूह रोशनी स्व सहायता समूह की दीदी ने बताया कि कैफे की शुरुआत से ही बड़ी संख्या में लोग यहां आ रहे हैं और व्यंजनों को काफी पसंद कर रहे हैं। 14 से 15 लोग काम करते हैं और यहाँ कोदो की खीर, बाजरा की रोटी, पराठा और आपका ज्वार डोसा, रागी पचीला यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हमारी रोज़ की आमदनी 15 से 17 हज़ार रुपये तक की। इस तरह मिलेट्स का स्वाद लोगों की जबान पर चढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं जिसे लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में गरियाबंद जिले में 10 जून से 27 जून तक चलने वाली एफएलसी की तैयारियां मंडी हॉल में की जा रही हैं। गरियाबंद के उपजिला निर्वाचन अधिकारी टीआर देवांगन ने बताया कि एफएलसी अर्थात वोटिंग मशीनों में पिछले रिकॉर्ड को डिलीट करते हुए उसकी पूर्णता जाँच की जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर समयबद्ध तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। ये समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है रायपुर के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनके द्वारा, उसके अकॉर्डिंग हमने पूरी तैयारी कर ली है। एफएलसी की पूरी तैयारी हमने कर ली है, उसके वेबकास्टिंग के लिए हमने टेंडर मंगा लिया है और एक हफ्ते के भीतर जो वेबकास्टिंग की पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही हमने एफएलसी हॉल तैयार कर लिया है, उसमें फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था कर ली है और लगभग पूरी तैयारी हमारी एफएलसी की हो गई है। चुनाव संबंधी सभी गतिविधियां जैसे नोडल अधिकारियों की नियुक्ति वगैरह भी हो चुका है और जो निर्वाचन आयोग जो जो निर्देश दे रहे हैं उन सबका पालन किया जा रहा है। श्री देवांगन ने बताया कि स्वीप प्रोग्राम के तहत जहां महाविद्यालयों में वोटिंग के लिए जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाएंगे, वहीं नवविवाहिता महिलाओं को भी वोटर आईडी प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति झारखंड में आयोजित महिला स्व सहायता समूहों के सम्मेलन में हुई शामिल। प्रधानमंत्री ने आज देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर किया रवाना। झीरम घाटी हत्याकांड की आज 10वीं बरसी, मुख्यमंत्री समेत कांग्रेसियों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दुर्ग में लोकसभा स्तरीय कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।